दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण सिखाने वाला, मानवतावादी बनाने वाला और हमारे चित्त को जो रोम रोम को पुलकित करने वाला, रोम रोम के अंदर जो आनंद की उर्मियाँ भरने वाला, प्रसन्नता भरने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और प्रतिदिन नया विषय बताया जाता है और हर विषय सांगोपांग होता है, उपयोगी होता है, जीवन का निर्माण होता है, जीवनों उपयोगी होता है और उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है उस एपिसोड को, ताकि कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर रुचि वाले व्यक्ति के लिए, हर मेंटल स्टेटस वाले के व्यक्ति, हर लाइफ होराइजन के व्यक्ति के लिए, हर सोच वाले व्यक्ति के लिए वह इंटरेस्टिंग हो और उसमें से कुछ ऐसी सामग्री को वो एक्सट्रैक्ट करे जो कि उसके जीवन का निर्माण कर सके। तो इसी क्रम में आज हम जो है एक समीक्षा का विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है क्या खोया क्या पाया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये समीक्षा का विषय है, समीक्षा की जानी चाहिए और वो समीक्षा जो है वो अच्छे पॉइंट के लिए भी की जानी चाहिए, बुरे पॉइंट के लिए भी की जानी चाहिए। यानी कि जो कुछ भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी हमारा कार्य है, जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, चाहे जीवन को ले लीजिए या हमने जीवन के अंदर कोई कार्य किया है, तो उस कार्य के अंदर हमने क्या पाया और क्या खोया, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता हुई, ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ और इससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ, सांगोपांग समीक्षा की जानी चाहिए। तो मैं जो है कुछ व्यवहार जगत की बातें बताता हूँ और फिर निश्चय जगत की बात बताऊँगा। निश्चय जगत के अंदर हम जीवन को लेंगे और व्यवहार जगत के अंदर जो है हम व्यवहार रूप में जो जीते हैं, सबसे पहले जो है हम व्यक्तिगत स्तर पे लेते हैं कि हम जीवन जीते हैं। जीवन का अर्थ क्या है कि जन्म से लेके मृत्यु के बीच के अंदर जो हम जीवन जीते हैं उसका नाम जीवन है। तो कुछ न कुछ उसको 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, साल के बाद के अंदर जो है हमें समीक्षा की जानी चाहिए कि मेरे जीवन के 50 साल निकल गए, जीवन के 20 साल निकल गए, जीवन के 70 साल निकल गए, तो इस जीवन के अंदर मैंने क्या पाया और क्या खोया। सबसे पहले तो आप ये चिंतन कीजिए कि जो आखिर मैं कौन हूँ, इसको तो आप डिसाइड करो, ये सबसे बड़ा चिंतन है। और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इन तीन प्रश्नों को अपने आप से पूछो तो जीवन की समीक्षा होगी। जब इन प्रश्न आप भीतर पूछोगे तो भीतर ही जो आपका विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जब वो सभी प्रश्नों का समाधान करने वाला है, तो उसी गंगोत्री से जो है आपको उत्तर मिलेगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम अनंत ज्ञान वाला हो, तुम अनंत दर्शन वाला हो, तुम अनंत शक्ति वाला हो, तुम अनंत सुख का धाम हो, और कई कई लक्षण जो है हमारी शुद्ध आत्मा के बताए जाएंगे, भीतर से प्रश्नों के समाधान आएंगे। और दूसरा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये जो मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, किस गति से प्राप्त किया है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, तो मनुष्य गति में आया हूँ तो पहले किस गति में था। निश्चित तौर से आपने सुकृत किए हैं, चाहे किसी भी गति में हो, तो सुकृत करने के कारण ही मनुष्य जीवन मिलता है। सरलता, परोपकार, भाईचारा, दूसरों की सेवा, अच्छे अच्छे कार्य करने से ही मनुष्य जीवन मिलता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जो नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति तीनों तरसते हैं कि हम मनुष्य जीवन में जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ से मुक्ति मिलती है, जहाँ से अक्षय सुख मिलता है, जिसकी कि हमको जो इच्छा है, हम जिसको कि जो है भोगना चाहते हैं, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो मुक्ति। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने पुरुषार्थ चतुष्टय नाम दिया लाइफ स्टाइल को, जीवन को पुरुषार्थ चतुष्टय का। उसके अंदर क्या बताया कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। हमारा काम और अर्थ व्यवहार जगत है और धर्म और मोक्ष जो है हमारा निश्चय जगत है।
हमारा सूक्ष्म जगत है और काम और अर्थ हमारा स्थूल जगत है। दोनों जगत में हम जीते हैं, व्यवहार में भी जीते हैं और निश्चय में भी जीते हैं। निश्चय में कैसे कि एक दिन हमें अपने परिवार को, हमारे साथियों को छोड़ करके यहाँ से विदा होना है, और जाते समय जो है हम ये शरीर भी लेके नहीं जा पाएंगे। हम क्या लेकर के जाएंगे? वो हमारे, एक तो हमारी जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा भगवान है, जो चेतन है, वो जाती है, और वो अपने साथ में क्या लेके जाती है कि अच्छे बुरे कर्मों का पुलिंदा, पाप और पुण्य का, जिसको कार्मण शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं। और तीसरा, ये तो दोनों निष्क्रिय है, आत्मा भी निष्क्रिय है और हमारा जो कार्मण शरीर वेयर हाउस है, ये तो स्टोर है, ये तो हमारे कर्मों का गोदाम है, ये तो हिलता डुलता भी नहीं है, और आत्मा तो बिल्कुल ही निष्क्रिय रूपी है। तो इन सब को धक्का देने वाला जो है, क्योंकि आत्मा अरूपी होकर के रूपी के साथ मिल गई है। सबसे बड़ी ये शरीर रूपी है, लेकिन इसके भीतर जो आवाज़ निकालने वाला, जो बोल रहा हूँ, खाने वाला, पीने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, ये जो सारा जड़ शरीर है, इसमें चेतना भरने वाला शुद्ध आत्मा भगवान है। तो वही चेतना बढ़ता और वो उसकी हाजिरी से होता है। अगर वो चला जाए तो राम नाम सत होता है, जड़ पदार्थ होता है। तो अब सवाल ये है कि आत्मा और जो है वो कार्मण शरीर है, इन दोनों को धक्का देने वाला चाहिए, वो तेजस शरीर कहलाता है। ये तीनों इस शरीर को छोड़ करके तुरंत दूसरे गर्भ में जा करके वो पलक झपे, उसमें तो बहुत से समय निकल जाते हैं, यानी अनकाउंटेबल, अन जो है कैलकुलेटेबल समय के अंदर दूसरी जगह जन्म ले लेते हैं। इसकी समीक्षा करनी है, इसको हमें देखना है कि हमारी जो वैदिक परंपरा क्या कहलाती कहती है। अगर 7 जन्मों तक आप सुकृत करो, चाहे किसी भी गति में हो, तो 7 जन्मों तक सुकृत करने के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। और 7 कर्मों में सुकृत नहीं होके बदमाशी हो गई, उसकी अनैतिकता हो गई, तो फिर 99 भव के बाद में मनुष्य मिलता है। और उन 99 भवों के अंदर भी अगर हमारे अनैतिकता हो गई, बदमाशी हो गई, सुकृत नहीं हो गया, अच्छे कार्य नहीं हो गया, तो 999 भव के बाद मिलता है। तो ये उनकी मान्यता, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? जो कुछ पाया है हमने, ये जो है पारस मणि है, ये नंदन वन है, और ये चिंतामणि रत्न है, इसको समझो। तो इसीलिए हमको उसको समझने के लिए समीक्षा करनी है कि क्या खोया और क्या पाया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से और मुझे कहाँ जाना है। अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे मुक्ति की ओर जाना है। मुक्ति की ओर जाने के लिए मनुष्य भव ही में ही आना पड़ेगा। और मनुष्य भव में कब आएगा? व्यक्ति सरल रहेगा, झूठ कपट नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, और किसी को जो शोषण नहीं करेगा, यानी वह सरलता से जीवन यापन करेगा, अपने जैसा सबको समझेगा, तब जाकर के जो है ये वो वापस इसी मनुष्य भव को प्राप्त होगा। हर मनुष्य भव बहुत परिश्रम के बाद, बहुत सुकृत के बाद, बहुत माला के बाद, बहुत तपस्या के बाद, बहुत ईश्वर प्राणी ध्यान के बाद के अंदर मनुष्य भव मिलता है। चाहे वो भिखारी हो, चाहे जो है वो कैसा ही जो है आदमी, वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो बीमार से बीमार हो, लेकिन उसको पुण्य पाप की वजह से उसकी ऐसी स्थिति है, लेकिन ये भव जो है सरलता से, ऋजुता से मिलता है। तो ये हमको समीक्षा करनी है। ये हमारे भीतरी जगत की बातें हैं। इसके भीतरी जगत में जितना जितना हम चिंतन करेंगे, तो अल्टीमेट हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हम किसी को दोषित मत देखो। निर्दोष दर्शन करने से हम निर्दोष होते हैं, और दुनिया के जब दोष देखने लग जाते हैं, लोगों के दोष देखने लग जाते हैं, तो हमारे भीतर और दोष इकट्ठे हो गए। उन दोषों को धोने के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, और हम दूसरे को जो है वो दोषित करके, दोषी सोच करके, दोषी चिंतन करके, और अपने आप को भारी कर देते हैं। कबीरदास जी ने ठीक कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न हो। आप समीक्षा कीजिए, क्या खोया क्या पाया का अर्थ यह है कि आपके अंदर जो दोष भरे पड़े हुए हैं, उन दोषों का कितना शुद्धिकरण किया,
आप 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए और राम नाम सत की अवस्था तक पहुंचने वाले हो, तो आपने अपने दोषों को शुद्ध किया या नहीं किया, उन दोषों को धोया या नहीं धोया, उन दोषों को बढ़ाया है या घटाया। मेजरमेंट ये है कि हमारी कितनी अशुद्धि शुद्ध हुई है। जैसे कि एक बिजनेसमैन मेजरमेंट करता है कि मुझे नफा हुआ या नुकसान मेरे धंधे के अंदर। बैंक के अंदर डेबिट और क्रेडिट को देखा जाता है, उससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि खातेदार के पैसे जो है ऊपर कर्ज है उसके ऊपर, या वो सॉलिड अवस्था में, देश सॉलिड अवस्था में, परिवार सॉलिड अवस्था में, व्यक्ति सॉलिड अवस्था में, समाज सॉलिड अवस्था में, उसका नफा नुकसान बताया जाता है। तो ये जो विषय जो है वो व्यक्तिगत नफा नुकसान निकालने का विषय है, तो वो क्या खोया क्या पाया को देखने वाली बात है। तो ये तो निश्चय जगत की बात है। हम थोड़ी व्यवहार जगत की बात करें। मान लीजिए हम शादीशुदा हैं और किसी परिवार में रह रहे हैं, हमारी शादी भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, तो आप जो अपनी समीक्षा कीजिए कि मैंने गृहस्थ जीवन जो है गृहस्थ आश्रम को पाया है, तो गृहस्थ हर साल समीक्षा कीजिए, क्या खायो क्या खोया क्या पाया, देखिए कि मैं मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ में, मेरे भाइयों के साथ में, मेरी माँ बाप के साथ के अंदर अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ या न कर रहा हूँ। क्योंकि आपका दायित्व तो है कि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर आप कमाने वाले हो तो कुछ कमा करके सबका भरण पोषण करो, बच्चों का भरण पोषण करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, क्योंकि उनको पैदा किसने किया है। बच्चे को पैदा करना ये गृहस्थ धर्म है, लेकिन यहां तक व्यक्ति की जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती है। व्यक्ति की जिम्मेवारी कब समाप्त होती है? अच्छे संस्कार दे करके अपनी संतान को पैरों पर खड़ा करना। पैरों पर खड़ा करने का अर्थ यह है अब संतान स्वयं अपना जो है भरण पोषण कर सकती है, अपना स्वतंत्र चिंतन करके वो आगे बढ़ सकती है। उस समय में मनुष्य की जो है जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। गृहस्थ आश्रम संपूर्ण होना ये जो है वो कहलाता है पैरों पर खड़ा होना। 50 साल की अवस्था होती है और उसके बाद वानप्रस्थ होता है, व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन होता है। मैं 20 साल से वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूँ, तो 50 साल तक मैंने अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों को पूर्ण करके बच्चों को पैरों पे खड़ा करके 20 साल में मैंने क्या खोया क्या पाया, इसकी हर क्षण समीक्षा करता हूँ और जीवन डिवोशन करता हूँ कि मैं कुछ न कुछ देऊँ। क्योंकि मैंने समाज से प्राप्त किया है, मैंने ग्राम तक मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान का उपयोग औरों का होना चाहिए, ये सेवा होनी चाहिए। जिस जिस व्यक्ति का जो जो विषय होता है, जो जो फील्ड होता है, वो औरों के लिए प्रेजेंटेशन करे, औरों को समर्पित करे, वो सेवा का कार्य कहलाता। तन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है, धन की सेवा। क्योंकि हमारे पे चार तरह के ऋण हैं। सबसे पहला ऋण है देव ऋण, भगवान के प्रति हमारा ऋण है कि भगवान हमारे कृपा करते हैं, हमको स्वस्थ रखते हैं, हमको जो है किसी तरह नकारात्मक चीजें हमारे पर हमला करने वाली उनसे बचाते हैं और हमें प्रसन्न रखते हैं। तो ये उस देव ऋण उतारना जरूरी है। देव ऋण उतारने के लिए हमें ईश्वर प्राणिधान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, उसको देखो, उससे बात करो, उससे चीत करो और उसको रिझाओ और उसको मुक्त करो इस शरीर के अंदर कारावास से, उसको मुक्ति दो। ये जो है वो देव ऋण है। और दूसरा हमारा पितृ ऋण होता है। माता पिता ने हमको जन्म दिया, बड़ा किया, पैरों पर खड़ा किया, कितनी कठिनाई उठाई, तो उनका हमारे पर ऋण उतारना चाहिए। ये गुरु का ऋण होता है। गुरु का मतलब होता है कि अंधकार, रूह का मतलब मिटाने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है। तो उसका जो है हमारे पे ऋण है, उसकी सेवा करके और वो शिक्षा देवे, उसको जीवन में उतार करके वो हम ऋण उतार सकते। समाज का ऋण है। समाज हमें पहचान देता है, समाज हमें नाम देता है, समाज हमें प्रतिष्ठा देता है, समाज हमें ऊंचा चढ़ाता है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है और उसकी प्रशंसा की जाती है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती, समाज देता है। तो समाज का जो है ऋण हमारे पे उतारना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये चिंतन करिए, ये समीक्षा कीजिए, परिवार के साथ मेरा कैसा व्यवहार है और दूसरा वर्किंग फील्ड मेरा
जिसके अंदर मैं कार्य करता हूँ, व्यापारी हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, सीए हूँ, सैनिक हूँ, या किस किस अवस्था के अंदर हूँ, क्या क्या कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे सहपाठियों के साथ के अंदर कैसा मेरा व्यवहार है, मेरी सोच कैसी है। ये सबसे बड़ी बात है कि नकारात्मक सोच को रोकिए, क्योंकि नकारात्मक सोच सामने वाले को डैमेज करती है, वो सामने वाले को आपका दुश्मन बना देगी, और अगर सकारात्मक सोच रखो तो आपका मित्र बना जाएगा और आपको प्रसन्नता होगी और आपका नाड़ी तंत्र और आपके सारे जो तंत्र है वो अच्छे चलेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, सकारात्मक रहने से स्वस्थ रहेंगे। ये चिंतन करिए, हर साल समीक्षा कर दिए, चाहे आप जन्मदिन पर करिए, चाहे या कोई आपका जो है वो आपका पर्टिकुलर त्यौहार है उस दिन करिए, कोई स्पिरिचुअल आपका जो है, किसी भी पॉइंट पर एक साल भर की समीक्षा होना, जन्मदिन सबसे अच्छा होता है, जन्मदिन के अंदर मनाने के साथ में समीक्षा करनी चाहिए, इस साल मैंने क्या खोया और क्या पाया, क्या मैं तरक्की कर रहा हूँ या मेरी अवनति हो रही है। तरक्की का अर्थ होता है कि मैं लोगों के लिए अच्छा बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा हूँ, खुद के लिए अच्छा बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा, मतलब अपना शोधन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अपनी आत्मा का प्योरिफिकेशन कर रहा हूँ, खुद के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा है, कि मेरा किसी को दुख तो नहीं दे रहा हूँ, किसी के प्रति बुरे भाव तो नहीं रख रहा हूँ, और किसी के लिए मैं जो एक समस्या तो नहीं बन रहा हूँ, किसी की मैं हेल्प करता हूँ, अच्छी बात है। इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो एक बहुत सुंदर टॉपिक है कि हमें क्या खोया क्या पाया, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। वैसे देखिए प्रतिदिन करनी चाहिए सोने के पहले, ये समीक्षा क्या होती कि आज दिन भर मैंने किस किस प्राणी के साथ में बुरा व्यवहार किया, उसकी दुख पहुंचाया, उसको मन से, वचन से, काया से, उसे क्षमा याचना करो, शुद्धिकरण करो, प्योरिफिकेशन करो, उन दोषों का रेक्टिफिकेशन करो। ये तो होगी प्रतिदिन की समीक्षा। उसके बाद आप साप्ताहिक समीक्षा कीजिए, आप मासिक समीक्षा कीजिए, और उसके बाद क्वार्टरली कीजिए, हाफ ईयरली कीजिए, ईयरली कीजिए। ईयर में तो एक बार जरूर समीक्षा करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ पर बॉटल नेक्स आती है, जहाँ जहाँ पर माइनस पॉइंट, अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, भीतर आपका शोधन हो रहा है और आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई चिंतन करना नहीं। लेकिन जो माइनस पॉइंट है, यानी जो हम पाप प्रवृत्ति कर रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं, लोगों के लिए समस्या बन रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हम कर रहे हैं, 18 तरह के दोष है, उनका हम सेवन कर रहे हैं, उनको रोकिए। ये कब रुकेगी? जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे रुकेगी नहीं, क्योंकि हमने कुछ सोचा ही नहीं, हम तो करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। आप घड़ी की तरफ देखेंगे तो टाइम का क्या मालूम पड़ेगा, आप चले जा रहे हैं, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कितनी दूरी पर जाना और कितने किलोमीटर गया, कितना शेष बचा है। सब चीज़ समीक्षा की जानी चाहिए, ये जीवन समीक्षा पर ही चलता है। सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, व्यक्ति को समीक्षा करनी चाहिए, परिवार के सदस्यों को समीक्षा करनी चाहिए, समाज को समीक्षा करनी चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। जब हम समीक्षा करेंगे तो पॉजिटिव बात भी आएगी, नेगेटिव बात आएगी, हमको मालूम पड़ेगा कि हम कितने पानी में हैं, कितने गहराई में हैं, हमारी कितनी तरक्की हुई है, कितनी हमारी अवनति हुई है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर विषय की गहराई में जाता है, पताल तोड़ गहराई में जाता है, उसका इतना गहन चिंतन करता है कि उसमें से सारे जो है मोती निकालता है, उसमें से सारा निराकरण करता है, उसमें हर चीज़ की समीक्षा करता है, प्लस निकालता है, माइनस निकालता है, मेरिट निकालता है, डी मेरिट निकालता है। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम उपयोगी है, ये जीवन के लिए उपयोगी है, इसके अंदर जीवन से संबंधी बातें बताई जाती है। इसका उद्देश्य है कि हमारे नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदले, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, और खूब आप समाज की सेवा करते हुए आप आगे गंतव्य की ओर बढ़ते रहें, आपके प्रति मंगल भाव।